सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर्स के बारे में, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। इसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर की थी, पर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत साइकिल के पुर्जों से की थी। और साइकिल के पुर्जों दुनिया की नंबर वन बाइक कंपनी कैसे बनी, आइए जानते हैं। तो पहले कुछ बेसिक से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 1923 कमालिया में, जब बृजमोहन लाल मुंजाल का जन्म होता है। और फिर उन्होंने अमृतसर में अपने भाइयों के साथ साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू किया। और 1954 आते आते इन्होंने हीरो साइकिल्स की स्थापना की। पर शुरुआत से सब कुछ अच्छा नहीं था, पर मेहनत और लगन से इन्होंने साइकिल्स का धंधा चालू किया। फिर 1975 में हीरो साइकिल्स भारत की नंबर वन साइकिल कंपनी बन गई। इस कामयाबी को देखकर इन्होंने अपनी साइकिल्स एक्सपोर्ट करना चालू किया। और फिर 1986 ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की नंबर वन साइकिल कंपनी बन गई। इसी साल ये रिकॉर्ड इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में बन गया। और फिर साइकिल की कामयाबी के बाद इन्होंने मोटरसाइकिल पर हाथ आजमाया। पहली बार इन्होंने हीरो मैजेस्टिक मुंह पैड बनाया। और फिर 1984 में इन्होंने जापानी कंपनी होंडा के साथ जॉइंट वेंचर चालू किया। इन्होंने अपनी पहली इंडस्ट्री दारू हेरा हरियाणा में सेटअप की। 13 अप्रैल 1985 को इन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की। और CD100 की सफलता के बाद 1985 से 2002 के बीच इन्होंने हीरो की 86 लाख मोटरसाइकिल्स बेच ली। और कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद हीरो ने 2011 में होंडा से अलग होने की सोची। और समय के साथ साथ हीरो दुनिया की नंबर वन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और आज भारत में 86% लोग इसी की मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं। और फिर 1 नवंबर 2015 को बृजमोहन लाल मुंजाल की डेथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।